भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज अंकलेश्वर में लगाया है और उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट बैच रिलीज हुई है। मुझे खुशी है कि वैक्सीन प्रोडक्शन में 1 करोड़ वैक्सीन प्रति मास अंकलेश्वर से भी मिलेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें सहयोगी होगा। सरकार ने अगले दिनों में कोविड केस बढ़े तो उसकी पूर्व तैयारी पहले से ही करके रखी है। 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से ब्लॉक स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर तैयारी के लिए फर्स्ट इंस्टॉलेशन के रूप में 50% पैसा भी दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस पहले से ही किराए करके रखे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर 1 करोड़ तक मेडिसिन प्रोक्योर करके रखे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड बेड और पेडियाट्रिक कोविड बेड की भी फैसिलिटी और व्यवस्था अभी से रखे, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर ऑक्सीजन की क्राइसिस ना हो इसके लिए ऑक्सीजन टैंक भी और 10,000 किलो ऑक्सीजन का संग्रह हो सके इतनी टैंक अभी से ही लेके तैयार करके रखे। सारी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से व्यवस्था कर रही है और अगले दिनों में कोई भी क्राइसिस आए तो इस तरह से हम उसके सामने लड़ेंगे। आपने देखा होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, सारे देश में वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा है। 2 दिन पहले 1 करोड़ डोज 10 मिलियन डोज एक दिन में एडमिनिस्टर हुआ है। भविष्य में वैसे ही ड्राइव के माध्यम से अगले दिनों में वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। ABP सांचा, जोश, जज्बा, जुनून।